वेलकम बैक टू माय चैनल। आज दोस्तों हम देखेंगे कक्षा 10 ग्रामर का जो हमारा सेंटेंस होता है कि असर्टिव सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं। तो हमारा जो असर्टिव सेंटेंस है इंट्रोगेटिव चेंज करना होता है वो दो तरीके से हम करते हैं। एक इंट्रोगेटिव हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा फर्स्ट टाइप, जिसको हम बोलते हैं एसआर नोट फर्स्ट टाइप। तो पहले फर्स्ट टाइप के बारे में जानेंगे, उसके बाद डब्ल्यूएच टाइप के बारे में जानेंगे। फर्स्ट टाइप को हम क्या बोलते हैं, एस आर नो टाइप भी बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलते हैं। और डब्ल्यू एच टाइप को हम क्या बोलते हैं, सेकंड टाइप। दो तरीके के होते हैं। तो इनकी आइडेंटिटी क्या होती है, पहचान क्या होती है? तो पहले सबसे हम इनको पहचानेंगे कि ये किस तरह से हमको पहचानना है। तो हमको असर्टिव सेंटेंस को इनमें बदलना है। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, कैसे बदलते हैं, उस पर ध्यान देंगे। तो फर्स्ट जो हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है वो कैसा होता है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हमेशा हमारा शुरू किससे होता है, हेल्पिंग वर्ब से। किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से। और जो हमारा डब्ल्यू एच टाइप होता है वो शुरू होता है क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब में हमारा क्या आ जाएगा, जैसे इज एम आर टू डस डीड हैज हैव हैड और विल सेल्फ कैन कुड मे माइट शुड मस्ट अप टू नीड डियर, जितने भी होते हैं हम उनको क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते क्या है। अगर वर्ब हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस में रहता है तो वर्ब मेन वर्ब मिलेगा, मेन वर्ब लिख दिया हमने, उसके बाद हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अगर इसमें ध्यान से देखेंगे, इधर हम देख लेते हैं, जैसे इसमें बताया गया जो हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस है वो कैसा है। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के बारे में ही हम जानेंगे पहले। तो इसमें जो शुरुआत होती है वो हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लाइक जैसे इज एम आर क्या होता है, इज एम आर होता है कुछ भी बात, या वेयर हो सकता है, एज हैव हैड हो सकता है, टू डज और डिड हो सकता है। तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब कि जो भी फॉर्म लगे वर्ब लिखेंगे, मतलब मेन वर्ब लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं अदर वर्ब, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से करना होता है। तो अब हम आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस को हमको चेंज कैसे करना है और किस तरह से किस टेंस को कैसे लाना होता है, तो उस पर हम ध्यान देंगे जरा सा। मान लो लिखा हुआ है, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। क्या है हमारा, ये असर्टिव सेंटेंस लिखा। असर्टिव भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो असर्टिव में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, इस तरह से हमको सेंटेंस मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद वर्ब मिलेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद अदर वर्ब और फुल स्टॉप लगा होता है। तो जब हम इसको इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो क्या होगा, जो हमारा सब्जेक्ट है वो चला जाएगा पीछे और उसकी जगह पर हमको लिखना क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब, फिर उसके बाद मार्क ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड लिखेंगे और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये तो सिर्फ हो गया क्या, एक रूल, एज ए रूल है ये इंट्रोगेटिव का, कौन सा टाइप, फर्स्ट टाइप। तो इस हिसाब से हमको सेंटेंस को बदलना होता है। तो अब हम आ जाएंगे किस पे, जैसे मान लो एग्जाम्पल करते, जैसे बोला गया मोहन गोज टू स्कूल, मोहन गोज टू स्कूल, मोहन कहाँ जाता है, मोहन स्कूल जाता है, मोहन कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, कहा गया, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम आगे लगाएंगे, सबसे पहले डस क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डस, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, मोहन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, अब मेन वर्ब हमारा क्या है, गो, फिर क्या लिखेंगे, टू स्कूल, और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, इसमें क्वेश्चन मार्क। इससे ये पता चला हमारा कि ये हमारा असर्टिव को हमने किस में बदल दिया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में। तो अब हम सीखेंगे कि मतलब किस टेंस में किस तरह से बदलाव आता है, कौन सा टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब बाहर करना है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। बहुत से हैं जो ऐसे सेंटेंस हैं जिनको हम बहुत ही सिंपली तरीके से बताने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखें और उसको समझें। देखेंगे
अगर हमारा एक तरफ हम लिख लेते हैं असर्टिव और दूसरी तरफ हम क्या लिख लेते हैं इंट्रोगेटिव, तो ध्यान देंगे तो लाइन बीच में हमने बताया डिफरेंस बताना कि असर्टिव को इंट्रोगेटिव में हम कैसे बदलेंगे। अगर हमारा असर्टिव का सेंटेंस किस में है प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, किसमें प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है, तो जब वो इंट्रोगेटिव में बदला जाएगा तो उसमें शुरुआत कैसे होगी, तो उसकी शुरुआत हम सब्जेक्ट के अनुसार किससे करेंगे, डू से या डज से, किससे डू या डज से, किससे शुरुआत होगी डू या डज से, उसके बाद हम क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, अगर असर्टिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसको इंट्रोगेटिव बनाते समय हम डू या डज से उसका उसकी शुरुआत करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे बोला गया ध्यान से देखेंगे, जैसे बोला गया वी प्ले क्रिकेट, बोला गया हम क्रिकेट खेलते हैं, कहा गया कि इसको इंट्रोगेटिव बनाना है और ये सेंटेंस हमारा किसमें है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कैसे पता चला क्योंकि तो यहाँ पर लिखी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा होता, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, प्लूरल है तो क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे वी प्ले क्रिकेट, तो इसको जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार इसमें हमको लगाना क्या होगा वू, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है वी, फिर क्या हम लिख देंगे प्ले क्रिकेट डू वी प्ले क्रिकेट, तो हमने इसके अनुसार काम किया, सबसे पहले हमने क्या लिखा डू, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लिखा ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होता है तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होगा तो हम करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है क्या इज एम आर, इज एम आर, तो जब इज एम आर आगे लगता है तो इस यहाँ जब इसको हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे इस इज एम आर को हम आगे लिखेंगे सब्जेक्ट से पहले, इज एम आर लिखेंगे उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद वर्ब की हमारी कौन सी फॉर्म कंटिन्यूस में चलती है आई एन जी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लास्ट में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो अब ध्यान से देखेंगे कि जैसे बोला गया आई एम डूइंग माय वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ अपना काम कर रहा हूँ, तो जब इसको प्लूरल में जब इसको हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना है आई एम डूइंग सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप, तो जब इसको हम इंट्रोगेटिव में ले जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे आई एम, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जब बाहर निकाल देंगे तभी हमारा पता चलेगा, तो हमने क्या लिखा एम, उसके बाद क्या लिखेंगे आई एम आई, उसके बाद क्या लिखेंगे डूइंग आई एम आई डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम क्या मैं अपना काम कर रहा हूँ। आगे अब आ जाएंगे हम किस पे प्रेजेंट के परफेक्ट पे, इस पे आ जाएंगे प्रेजेंट के परफेक्ट पे, तो इसी तरह से हमको करते जाना है, तो अगर इस तरह से बताते जाए तो बहुत लंबा आपका होता जाएगा, तो इसके लिए एक सिंपल तरीका बताते हैं आपको कि सारे वर्ड सारे टेंस हम लिख लेते हैं एक तरफ, उसके बाद आपको बताते हैं कि किस तरह से उसको हमको सिंपल तरीके से करना है। बस ध्यान ये देना कि यदि हमारा असर्टिव सेंटेंस प्रेजेंट में है, किसमें है प्रेजेंट में, ध्यान से देखेंगे अगर हमारा असर्टिव सेंटेंस किसमें है असर्टिव सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में या पास्ट में, अगर हमारा असर्टिव सेंटेंस किसमें है प्रेजेंट इंडेफिनिट में या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे इंट्रोगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज, और पास्ट में है तो इससे पहले हम क्या लिखेंगे डिड, क्या लिखेंगे डिड। अगर असर्टिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो सबसे पहले हम उसको इंट्रोगेटिव बनाते समय उससे पहले लिखेंगे डू या डज, डू या डज लिखेंगे, उसके बाद
अब प्रेजेंट इंडिफिनिट में तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव बनाते समय डू या डस, अगर पास्ट इंडिफिनिट में तो उससे पहले हम लिखेंगे डिड। तो एक एक एग्जाम्पल पहले ही हम देख चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं कि अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो उसमें हम क्या करेंगे, इस एम आर को सबसे पहले लिख देते हैं, और अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है तो उससे पहले हम लिख देते हैं वाज या वेयर। जैसे इस तरह से लिखा मिला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा तो सबसे पहले क्या लिखा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारा वर्ब होता है हेल्पिंग इज एम आर। तो जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इज एम आर, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस हम क्या लिख देंगे अदर वर्ड। तो इसको हम क्या करेंगे, अदर वर्ड में लिखेंगे। तो जैसे बोला गया सी इज डूइंग हर वर्क, सी इज डूइंग हर वर्क, वह क्या कर रही है, वह अपना काम कर रही है। बोला गया इसको इंट्रोगेटिव बनाओ तो कैसे बनाएंगे, इस हेल्पिंग वर्ब को हमने सबसे पहले लिख दिया इज, फिर उसके बाद हमने क्या लिखा सी, फिर क्या लिखेंगे डूइंग, फिर क्या लिखेंगे हर वर्क, इट्स सी डूइंग हर वर्क, वह क्या कर रही है, अपना कार्य कर रही है। तो लास्ट में हमने क्या लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो बेटा इसमें यही करना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय बस इतना हमें देखना होता है कि जिस टेंस में सिर्फ हमको हेल्पिंग वर्क किसमें नहीं मिलेगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में और पास्ट इंडिफिनिट में। तो उसमें हमको प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमारी शुरुआत में वर्ब जो होती है उसमें एस या ईएस लगा होता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं होता है तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले जो सब्जेक्ट वर्ब होता है वो फर्स्ट फॉर्म में लिखी हो, तो उससे प्रेजेंट में हमको लगाना है डू या डज सबसे पहले, और पास्ट इंडिफिनिट में हमको लगाना है डिड, और बाकी जितने भी हम टेंस करेंगे हमको उसमें हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। जैसे पास्ट इंडिफिनिट प्रेजेंट इंडिफिनिट में इज़ एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज हैव बीन। उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर, पास्ट परफेक्ट में हैड, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन। फ्यूचर में विल शैल मिलेगा, विल शैल बी मिलेगा, विल शैल हैव बीन हैव मिलेगा, विल शैल हैव बीन मिलेगा। अगर कोई मॉडल से शुरुआत होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, मॉडल से अगर हमारी शुरुआत होती है तो उसमें हमको कैन कुड में माइट शुड मस्ट आउट टू नीड डे जितने भी वर्ब होते हैं वो मिलेंगे बीच में। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़, किस चीज़ को हमको हु में बदलना होता है, कोई बहुत सी ऐसी चीज़ें समबडी, जैसे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत हम ऐसे करते हैं, समवन से, समवन या समबडी, समबडी, समवन, समबडी, नो वन, नन, नो वन, नन, एवरीवन, इस तरह से जब सेंटेंस आते हैं तो जब इनको इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो हम इनको इनके आगे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, इन सेंटेंस की जगह पर हम किसका प्रयोग करते हैं होगा। जैसे बोला गया एवरीवन नोज महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। तो इसको इस एवरीवन को हम किसमें बदल देंगे, फिर नोज लिखा है तो डज नॉट क्या हो जाएगा, डज नॉट, हू डज नॉट नो महात्मा गांधी, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो जैसे बोलो समवन, समबडी, नन या नन, एवरीवन, नो वन, इस तरह से अगर हमारे सेंटेंस की शुरुआत होती है तो जब उसको हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, उससे पहले हम हु का प्रयोग कर देते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।